अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। गुड मॉर्निंग, काफ़ी ज़्यादा लेट मॉर्निंग हुई है, टाइम हो चुका है 1:23 हो रहा है और मुझे भी जाना है किसी काम से। थोड़ा जल्दी में हूँ तो बस जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना और जाना है। तो आज का ब्लॉग करते हैं इसे स्टार्ट। वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। तेज़ धूप हो रही है आज, बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप है। अब मुझे जल्दी से फेस वॉश करना, नाश्ता करना और जाना अपने काम से, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है। अब मुझे लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब फेस वॉश करो ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है, फिर जब बाहर जाओ बाहर से आओ तो फिर गंदा हो जाता है। तो खैर अभी मैं सबसे पहले नाश्ता करूँ, फिर उसके बाद अपने कपड़े चेंज। नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में सेब का जूस, प्रिंस एंड सुपर बिस्किट। अब मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। मज़ा आया। आप लोग भी बोलते हैं कि ये लड़का ब्लैक कितना पसंद है, तो भाई ब्लैक लवर हूँ मैं, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। अब मैं जल्दी से जाऊँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। 2 hours later अभी अभी अपना काम फारिग करके आया हूँ और आज जो है ना बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही मैं थक गया। अभी अभी आया हूँ, फेस वॉश वगैरह किया, अभी फ्रेश हुआ हूँ और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि सुबह तो आप लोगों ने देखा ही था मैंने बहुत ही हल्का नाश्ता किया था, सेब का जूस था और बिस्किट वगैरह था। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। और एक और चीज़, मेरी बर्थडे आने वाली है, कमेंट्स में बताएं मेरी बर्थडे कब है। सिर्फ 4 कमेंट्स छोड़ते हैं क्योंकि मेरी सिस्टर लोग देखती हैं तो वो लोग कमेंट्स कर देंगे, उनको छोड़ के आप लोग बताएं मेरी बर्थडे कब है। अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो फिर मैं कल व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगा कि मेरी बर्थडे कब आ रही है। खाना खा रहा था, खाना खाते खाते लाइट चली गई, इस वजह से रूम अंधेरा हो रहा है। अभी खाना फिनिश हो चुका है, मैं ये जल्दी से दूं। और अभी मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा हो गया है, 5:15 हो रहा है, 5:15 नहीं, 5:15 का मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा टैरिफ में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं नहीं गया, तो जल्दी से ये सिस्टर को दे दूँ। जब दिन में मैं बाहर था तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी और अभी 5 भी नहीं बजा और मौसम इतना प्यारा हो गया। मैं बाहर गया तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी भाई, ऐसा क्यों? और अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है और मैंने अभी तक इंस्टा पे पिक्चर अपलोड नहीं की जो मैं शूट पर गया था, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे ना मुँह से तो बहुत कुछ निकल रहा है, अभी तक उसने अभी मेरी पिक्चर नहीं दी है। ठीक है, अभी वो आएगा, उसने कहा है आज मैं आऊँगा तो तुम एडिट कर लेना फिर ले लेना। अभी देखो अगर वो अभी आ गया तो फिर मैं एडिट करके उससे पिक्चर लूँगा और रात को इंस्टा पे अपलोड कर दूँगा। कल पापा ने ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डाटा, पापा ने कहा ये क्या बने हुए हो तुम, इतने ज़्यादा हेयर तुम्हारे बड़े हो गए। तो मैंने कहा पापा जाके कटवा लूँगा बर्थडे से पहले, लेकिन पापा ने कहा नहीं अभी ये 2-3 दिन में मुझे ये कटा हुआ होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है मैं अपना हेयर तो ऊपर से बड़ा कर रहा था, ऊपर से नहीं कटवाऊँगा, साइड से ही सेटिंग करवाऊँगा और अपना शेप वगैरह बनाऊँगा। और अभी आने वाले हैं कुछ मेहमान घर में, तो उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या क्या बनेगा आज उनके लिए और मेरे लिए, नहीं मेरे लिए नहीं सिर्फ उनके लिए। अब मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि बाहर से आया था काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, अब नीचे जा रहा हूँ, सिस्टर से पूछता हूँ कि क्या क्या नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है। अभी तो मुझे इंतज़ाम में सिर्फ यही दिख रहा है पकते हुए, अभी मैं सिस्टर से पूछता हूँ वो क्या 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 और बन रहा है। तो और क्या क्या बन रहा है? दही बड़े और पकोड़े, ये टूट गया, गजब बेइज्जती है। और पकोड़े हैं, स्पैगेटी है, और क्या है, दही बड़े, चना चाट है, और दही बड़े, दही बड़े तो बोल रही हूँ, नहीं नहीं ये जो पता है मैं बस इसी में गुजारा कर लूँगा। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता होने वाला है आज, तो अभी थोड़ी देर बाद मेहमान लोग आ जाएंगे तो इनके साथ बैठकर थोड़ी गुफ्तगु करूँगा, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह लग जाएगा। अभी मैं बोर हो रहा हूँ यार, मुझे टेरिस से नहीं आना चाहिए था क्योंकि अभी नीचे कोई है नहीं और लाइट भी गई हुई है, नेट भी बंद है, फिर लैपटॉप भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि रात को व्लॉग एडिट करना होता है, आप लोगों को पता, अगर लाइट चले जाए तो लैपटॉप में चार्ज ख़त्म हो जाएगा, इस वजह से मैं लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी बस
15-20 मिनट रह गया, 5-10 हो चुके, 5:30 बजे लाइट आ जाती है, तो 10-15 मिनट बाद लाइट आने वाली है। लाइट आ चुकी है और अभी मुझे काम है थोड़ा सा लैपटॉप में, तो मैं जल्दी से वो फिनिश कर लूँ, अपना लैपटॉप जल्दी से ओपन करके अपना काम फिनिश करूँ। लैपटॉप ऑन हो चुका है और मुझे अभी इसमें कुछ काम करना है, तो मैं जल्दी से काम अपना फिनिश करता हूँ। मुझे लगता है गाड़ी की आवाज़ आ रही, शायद वो लोग आ चुके हैं, मैं पहले विंडो से झांक कर देख लूँ। जी आ रहा आ रहा, एक मिनट एक मिनट। सच में यार वो लोग आ गए, मेरा काम पूरा ख़राब हो गया, अपना लैपटॉप जल्दी से ऑफ करके मैं जाऊँ नीचे। इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, पहले जाके नीचे डोर ओपन कर, तो फिर उसके बाद लैपटॉप आकर बंद कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठे बैठे। और बेटा आपकी स्टडी कहाँ तक पहुँची? बस अभी मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अभी मैं इंशाल्लाह इस मंथ ही एडमिशन लूँगा। और आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का? ग्राफिक डिजाइनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिला है। आमीन। मेहमानों से गुफ्तगू हो चुकी है और अब नाश्ता लग रहा है, और अब मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ बैठ कर नाश्ता करने। मान लोग जा चुके हैं और टाइम हो गया है 7, और अब मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, क्योंकि जब वो लोग आए थे तो मैं जल्दी जल्दी लैपटॉप ऑफ कर दिया था, काम कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी मैं जाके अपना काम कंप्लीट करने। मैं अपना लैपटॉप निकाल के बैठ चुका हूँ, उसमें मुझे कुछ काम है, वो मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा। वगैरह मेरा फिनिश हो चुका है और अब लाइट भी जाने वाली है, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट, लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।